हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइव कैमरा। आज गाइस हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। यानी क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, आज हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे गाइस, टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। इसके अंदर बच्चों कई तरह की क्लासिफिकेशन बनती है, हमें वन बाय वन करके अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है अच्छे से। और इससे पहले वाली वीडियो आपने अगर नहीं देखी जिसके अंदर मैंने पढ़ा था हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के बारे में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्लासिफिकेशन की। पहले नंबर पर हम जो भी इसे क्लासीफाई करते हैं वो किस बेस पर करते हैं गाइस, ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। अब पहली क्लासिफिकेशन क्या बोलती है, आपको सबसे पहले बताना चाहिए कि कितने हेलोजन मेंबर अटैच है हाइड्रोकार्बन चेन से, उसी बेस पे हम क्या करेंगे यहाँ पे इन्हें क्लासीफाई करेंगे। तो इसके अंदर बच्चों जो इसके अंदर भी जो पहली क्लासिफिकेशन बनती है, फर्दर इसके अंदर भी जो पहली क्लासिफिकेशन बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, नंबर ए हमारी बनती है मोनो हेलो एल्केन्स, मोनो हेलो एल्केन्स या मोनो हेलकाइल हैलाइड्स बोल सकते हैं आप। अब मोनो हेलो एल्केन्स में क्या होगा, मोनो वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, वन, यानी सिर्फ कितने हेलो मेंबर अटैच होंगे का हाइड्रोकार्बन चेन से, सिर्फ एक। जैसे आपको पता है भाई हाइड्रोकार्बन को किससे डिनोट करते हैं, एक्स, क्या हो सकता है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों में से कोई सा भी हो सकता है, ये हमारे क्या होते हैं हेलो मेंबर्स। तो यहाँ पे सिर्फ कितने हेलो मेंबर अटैच होंगे चेन से, एक। आप इसका एग्जांपल भी लिख सकते हो भाई, जैसे आपको पता है भाई CH4 होता है मीथेन, उसमें आप क्या कर दो यहाँ पे एक क्या लगा दिया आपने, BR लगा दिया, मान लो क्लोरीन कुछ भी लगा सकते हो, H। तो ये हाइड्रोकार्बन चेन है आपको दिख रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन है, इसके ऊपर कितने अटैच हुए सिर्फ आगे हेलो मेंबर एक, तो आपका क्या हो गया बच्चों, मोनो हेलो एल्केन्स का एग्जांपल हो गया, आप इसे ऐसे लिख सकते हो। तो आप समझ चुके होंगे। और भी इसमें यहाँ तो हमारा एल्काइल ग्रुप कौन है, मिथाइल, CH3 क्या मिथाइल ग्रुप, ऐसे यहाँ पे क्या हो सकता है इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन जो हेलो मेंबर होगा सिर्फ वो कितना होगा, एक होगा। अब जैसे मोनो हेलो एल्केन्स है ऐसे ही कौन हो सकते हैं इसके अंदर भाई, मोनो हेलो एरिन्स भी हो सकते हैं गाइज, मोनो हेलो एरिन्स। अब मोनो हेलो एरिन्स में क्या होगा, यहाँ पे हमारा मोनो मतलब वन, एक हेलो मेंबर किसके ऊपर अटैच होगा डायरेक्टली, बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली कितने हेलो मेंबर अटैच होंगे, सिर्फ एक यानी वन। अब सबसे पहले आप यहाँ पे बेंजीन रिंग बना लो और इसके ऊपर क्या अटैच कर दो, यहाँ पे आप कुछ भी अटैच कर सकते हो भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में से कोई सा भी, मान लो यहाँ पे क्या लगा दो आप एक क्लोरीन, ये आपका क्या होगा मोनो हेलो एरिन्स। और हाँ, इनके नाम की टेंशन आप ना लो, यहाँ पे सिर्फ हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, इसके एंड आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे इसके नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम किसकी बात करें क्लासिफिकेशन। तो नाम की टेंशन आप मत लो, नाम लिखना मैं सिखाऊंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, और सारे सारे NCERT क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी पढ़ा दिया आपको। सो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे मोनो हेलो एरिन्स और मोनो हेलो एल्केन्स। इसके बाद जो हमारे इसके अंदर जो दूसरी क्लासिफिकेशन बनती है गाइस, वो बनती है बी, आप समझ भी चुके होंगे क्या बनेगी, वो डाई हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स। अब डाई हेलो एल्केन्स में आपका क्या हो सकता है गाइस, इसके अंदर भी आपके फर्दर दो केस बन सकते हैं, मैं आपको बता दूं, एक को हम बोलते हैं, इसके अंदर भी हमारे क्या बन सकते हैं, दो केस बन सकते हैं। आप यहां पे लिख लो केस फर्स्ट बन सकता है इसके अंदर, केस फर्स्ट, इसमें क्या आ सकता है, उन्हें क्या बोलते हैं जैम डाई हैलाइड्स बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं जैम डाई हैलाइड्स। अब जैम डाई हैलाइड्स में क्या होगा, आप यहाँ पे चेक करना जैम डाई हैलाइड्स क्या होते हैं, जैम डाई हैलाइड्स, इसमें आपने क्या करना है भाई, तीन मान लो यहाँ पे एक दो तीन, ये आपकी क्या बच्चों कार्बन चेन होगी। अब यहाँ पे मान लो एक हेलो मेंबर यहाँ पे अटैच है और एक हेलो मेंबर फिर यहाँ पे अटैच है, यानी दो हेलो मेंबर सेम कार्बन पे अटैच है, आप चेक कर सकते हो भाई, दो ब्रोमीन अटैच है सेम कार्बन पे। अब एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम चार, तो आप इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर लो सारे कार्बन की, एक दो तीन चार, इसकी वैलेंसी तो कंप्लीट है इस कार्बन की, मैक्सिमम चार बॉन्ड बनाएगा, और जो बचे इसके कितने बॉन्ड बने सिर्फ एक, तो इस पर क्या लगा दो तीन एच। और आपको याद रखना है हमेशा सारी चीज़ जोड़ने के बाद जो वैलेंसी कंप्लीट करनी हो किससे कंप्लीट करनी, फिर हाइड्रोजन से, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो हाइड्रोकार्बन की चेन की सहायता से अटैच है बच्चे, तो यहाँ पे क्या लगाओगे फिर तीन हाइड्रोजन, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि भाई ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने हेलोजन मेंबर अटैच है किससे हाइड्रोकार्बन चेन से, तो हाइड्रोकार्बन चेन है पूरी पूरी, उसके अंदर सिर्फ कितने हेलो मेंबर अटैच है यहाँ पे दो, तो इस वजह से हम क्या बोल रहे हैं डाई हेलो एल्केन्स। और इसके अंदर भी फर्दर जो आपने क्लासीफाई किया है वो किस बेस पर क्लासीफाई किया है, कि दोनों के दोनों जो हेलो मेंबर है वो सेम कार्बन पर अटैच है, अगर सेम कार्बन पर अटैच है तो उन्हें क्या बोलते हैं जैम डाई हैलाइड्स, आएगा डाई हेलो एल्केन्स के अंदर ही, अगर दोनों के दोनों हेलो मेंबर एक कार्बन से अटैच है तो हम क्या बोलते हैं जैम डाई हैलाइड्स। ठीक है, इसकी नेमिंग की बात हम आने वाली वीडियो में करेंगे। इसके अंदर अब जो दूसरा केस बन सकता है केस सेकंड, उसमें क्या होगा, उन्हें हम बोलते हैं विस डाई हैलाइड्स, विस डाई हैलाइड्स। ठीक है,
विस डाई हैलाइड्स VIC, और इसे हम कंप्लीट VCNL भी बोल सकते हैं और शॉर्ट टर्म VC भी बोल सकते हैं, और इसे हम जैमिनल डाइलाइट्स बोलते हैं और जैम डाइलाइट्स भी बोल सकते हैं। तो आप इसे ध्यान से समझ लेना। अब इसके बाद यहाँ पे विस डाई हैलाइड्स में क्या होगा गाइस, यहाँ पे C, एक C। अब मान लो एक ब्रोमीन इस पर अटैच कर दो आप, और ऐसा जरूरी नहीं आप ब्रोमीन अटैच करो, आप क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन में से कुछ भी अटैच कर सकते हो, और एक ब्रोमीन यहाँ पे लगा दिया आपने। अब वैलेंसी कंप्लीट कर लो, इस कार्बन कितने बॉन्ड बने, 1, 2, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, 2 हाइड्रोजन। इसके भी कितने, 1, 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। अब इसमें आप चेक कर लो बच्चों ध्यान से अच्छे से बिल्कुल। अब अगर आप चेक कर रहे हो यहाँ पे जो हमारे हेलो मेंबर है वो किस पे लगे हैं, एडजेसेंट कार्बन पे। एडजेसेंट कार्बन का मतलब क्या है, जो आसपास पड़ोसी कार्बन है, अगर पड़ोसी कार्बन पे लगे हुए तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, विसिनल डायलाइट्स या विस डायलाइट्स। इसमें क्या था, सेम कार्बन पे, और इसमें क्या, पड़ोसी कार्बन पे, बिल्कुल एक दूसरे के आसपास वाले कार्बन पे, ठीक है। अगर इसके बाद इस पे दोनों पे अगर एक साथ लगे हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, विस डाई हैलाइड्स। इसमें क्या होगा, हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, एडजेसेंट कार्बन से अटैच है। एडजेसेंट का मतलब क्या है, नेबरिंग, बिल्कुल इसके बाद ऐसा नहीं है यहाँ तीसरा कार्बन हो उसके ऊपर भी, उसके ऊपर हो, इसके बाद यहाँ बीच में से छोड़ गया। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मान लो 3 कार्बन है, अगर एक यहाँ पे अटैच है और एक यहाँ पे, तो ये नहीं होगा विस डाइलाइट। विस डाइलाइट के लिए कंडीशन क्या है, अगर एक इस पे है तो अगला किस पे हो, इसके पास वाले पड़ोसी पे हो, तब जाकर कंडीशन बनेगी विस डाई हैलाइड। डाइलाइट्स का मतलब आप समझ चुके हो कि 2 हेलो मेंबर्स, तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे गाइस। तो यहाँ से इसे हटा दूंगी। अच्छा, इसके बाद जो आपकी इसके अंदर तीसरी क्लासिफिकेशन बन सकती है वो आपकी क्या बन सकती है यहाँ पे गाइस, आपकी ट्राई 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 तक पढ़ा रखा है आपके एनसीईआरटी में, ट्राई हेलो एल्केन्स, ट्राई हेलो एल्केन्स या ट्राई हेलो एरेंज बन जाएगा ऐसे ही। अच्छा, इसमें क्या होगा, आप अगर बात करें, अच्छा इससे पहले एक गलती होगी थी गाइज, यहाँ पे आप ध्यान से देख लेंगे, इसके लिए सॉरी। आपका जैसे ये क्या था, डाई हेलो एल्केन पढ़ा था आपने, अब इसके अंदर डाई हेलो एरेंज भी हो सकते हैं, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है आपने। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाई हेलो एरेंज, डाई हेलो एरेंज। अब डाई हेलो एरेंज में क्या होगा, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कितने हेलो मेंबर अटैच होंगे, 2 हेलो मेंबर, एक मान लो ब्रोमीन यहाँ लगा दो आप और एक ब्रोमीन मान लो आप यहाँ लगा दो, ये आपका क्या बन गया, डाई हेलो एरेंज। तो डायरेक्टली कितने हेलो मेंबर अटैच होंगे गाइस, इसमें आपके, इसमें 2 आपके अटैच होंगे, 2 हेलो मेंबर डायरेक्टली अटैच होंगे बेंजीन रिंग से, तो आपका क्या हो जाएगा, डाई हेलो एरेंज हो जाएगा। इसके बाद आप बात कर सकते हो इसके अंदर थर्ड क्लासिफिकेशन की, सी बन जाएगी, जो आपकी सी में क्या बोल सकते हैं आप, ट्राई हेलो एल्केन्स, ट्राई हेलो एल्केन्स। अब ट्राई हेलो एल्केन्स का मतलब क्या है, यहाँ पे कितने हेलो मेंबर अटैच होंगे, 3, किससे, हाइड्रोकार्बन चेन से। तो इसमें आप देख सकते हो भाई 1, 2, 3, मान लो एक यहाँ पे लग जाए क्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ पे लग जाए और एक क्लोरीन यहाँ पे लग जाए, तो आपका क्या बन जाएगा, ट्राई हेलो एल्केन। इसके आप वैलेंसी अपने आप कंप्लीट कर सकते हो सारे सारे कार्बन की, यहाँ पे 1, 2, तो यहाँ पे कितने एच लग जाओगे, यहाँ पे 2, इस पे 1, 2, 3, इस पे सिर्फ 1 एच और इस पे फिर से 2, और ऐसे ही आपका ट्राई हेलो अरेंज भी हो सकता है, ट्राई हेलो अरेंज। तो ट्राई हेलो अरेंज में क्या होगा आपका, यहाँ पे आपने 3 मान लो, एक ब्रोमीन यहाँ पे अटैच कर दो, एक ब्रोमीन यहाँ पे और एक ब्रोमीन यहाँ पे, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कितने हेलो मेंबर अटैच होंगे, 3 हेलो मेंबर, ये आपका क्या होगा, ट्राई हेलो एरेंज और ये ट्राई हेलो एल्केन्स था। तो यहाँ तक बिल्कुल आपके समझ में अच्छे से आ चुके होंगे पूरी पूरी क्लासिफिकेशन, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप पीछे अटैक देख सकते हो, वीडियो थोड़ा पीछे बैक करके देख सकते हो, ठीक है। मोनो एल्केन के अंदर सिर्फ 1 लगेगा, मोनो एल्केन के अंदर बेंजीन के साथ डायरेक्टली 1, ठीक है, डाई के अंदर 2 और इसके अंदर 2 केस थे, जैम और विसिनल। जैम में दोनों सेम कार्बन से और विसिनल पे अलग अलग कार्बन पे, फिर ऐसे डाई हेलो एरेंज था उसमें 2 और ट्राई हेलो एल्केन्स और ट्राई हेलो एरेंज। तो आप यहाँ तक समझोगे, ये पहली क्लासिफिकेशन थी इस बेस पे। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, आप यहाँ तक इसे नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसे यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन। इसके बाद जो हमारी सेकंड क्लासिफिकेशन किस बेस पे, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी चाहिए कार्बन कंपाउंड की, यानी कार्बन कंपाउंड के अंदर कार्बन की। अगर आपसे नहीं आते तो आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आपकी होमवर्क वीडियो रहेगी, आपसे जरूर चेक कर ले, नहीं तो यहाँ पर आपको नहीं समझ में आएगा, आपसे जाके एक बार जरूर देख लें, तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है गाइज। यहाँ पर हम बात करते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन की। सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या बोलती है आपकी यहाँ पे गाइज, ऑन द हाई ब्राइडाइजेशन, ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम,
कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, यानी जिस कार्बन एटम से आपका हैलोजन मेंबर अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उस बेसिस पे हम इन्हें क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, कभी आपको कॉम्प्लेक्स लगे ज़्यादा है, जिस कार्बन एटम से आपका हैलोजन मेंबर अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम क्लासिफाई करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स को। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन की। इसके अंदर भी हमारे फर्दर केस बनते हैं। इसके अंदर जो हमारा पहला केस बनता है ए, उसमें क्या होगा, जिस कार्बन से आपका हेलो मेंबर अटैच है, हेलो मेंबर किससे डिनोट करते हैं, मैक्स से, अगर उसकी हाइब्रिडाइजेशन उस कार्बन की क्या, sp3। ठीक है, जिस कार्बन से आपका हेलो मेंबर अटैच है अगर उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या sp3 है, तो उस बेस पे मैं इन्हें क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन जिससे कैलकुलेट करनी नहीं आती, मैं उससे बार बार बोल रहा हूँ आपके उसमें होमवर्क वीडियो, बच्चों आपने जाके जरूर देख लो, बड़ी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ आपको, उसमें आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसमें मैंने आपको यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी सिखा रखी है बड़े अच्छे से, तो उस वीडियो को जाके जरूर विजिट कर लें। ठीक है, और मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, यहाँ पे आपको शॉर्ट में याद रखना है, अगर कार्बन सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है, कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्डेड, तो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, सिंगल बॉन्डेड कार्बन मान लो ऐसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ सिर्फ बनाने के लिए, तो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp3 होगी। अगर कार्बन होगा डबल बॉन्डेड, मतलब अगर डबल बॉन्ड बना रहा होगा कोई भी कार्बन, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। और कार्बन होगा ट्रिपल बॉन्डेड, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp खाली क्या होगी, sp। ओके गाइस, तो इन्हें हटा लो भी इससे। अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, सारे सारे बॉन्ड जो चारों बॉन्ड है, कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है, अगर चारों बॉन्ड क्या है, सिंगल है, तो क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, sp3, बस इतना याद रख लो आप। और अगर डबल बॉन्ड बना रहे कार्बन से कार्बन के बीच में, तो sp2, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो sp खाली, आप इतना याद रख लो। और अगर अच्छे समझना चाहते हो तो आप वीडियो को देख सकते हो जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका आपके। तो यहाँ पे आप बात करो आगे चल के इस बेस पे। अब इसके अंदर भी बच्चों अलग अलग केस बनते हैं, जो इसके अंदर अब पहला केस बनता है, इसके अंदर भी अब केस है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। इसके अंदर अब जो पहला केस बनता है sp3 के बेस पे, केस फर्स्ट उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सिंपल हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स भी बोल सकते हैं आप उन्हें। इसमें क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये आपको मान लो कार्बन है, इससे आपका क्या अटैच हो गया, हेलो मेंबर। अब यहाँ पे मान लो एक एच हो गया, यहाँ पे एक एच हो गया और एक यहाँ पे एच हो गया। अब आप चेक करो गाइस, यहाँ पे इस जो कार्बन है, जिस कार्बन से आपका हेलो मेंबर अटैच है, इस कार्बन से अटैच है हेलो मेंबर आपका, इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करो क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के, चारों बॉन्ड कैसे है, सिंगल बॉन्ड, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। तो ये क्या होगा हमारा, एलो हेल्केन्स या एल्काइल हैलाइड, पहली कंडीशन तो आपकी होगी बिल्कुल आसान से। अगर आपका हैलोजन मेंबर किस कार्बन से अटैच है, जिसके sp3 हाइब्रिड, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेलो हेल्केन्स और एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। तो ये आप समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। अच्छा गाइस, इसके बाद इसके अंदर जो हमारा सेकंड केस बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर मैं लिख दूँ इसके बाद सेकंड केस, केस सेकंड। अब ये किसके अंदर पढ़ रहे हो आप, sp3 वाले के अंदर ही पढ़ रहे हो, ये बनेगा आपका केस सेकंड। केस सेकंड वालों को हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड्स। अब एलाइलिक हैलाइड्स में क्या होगा आपका गाइज, एलाइलिक हैलाइड्स में आप देखना बिल्कुल एग्जाम्पल समझ में आ गया आपके, एकदम से समझ में आ जाएगा। सी डबल बॉन्ड मान लो सी, फिर यहाँ पे आपका सी इसके साथ अटैच है, यहाँ पे आपका हेलो मेंबर एक्स, एक्स आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं खाली यहाँ पे एक्स यूज कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप इनकी वैलेंसी पूरी कर लो, इस कार्बन कितने बॉन्ड बनाए, 1 2, तो यहाँ पे क्या लगा, 2H, 1H यहाँ पे और 1H यहाँ पे। इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिर्फ 1H। इसके कितने बॉन्ड बनाए, 1 2, तो इस पे क्या लगेगा, 1H और 1H यहाँ। अब आपकी पूरी वैलेंसी भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस केस में इन्हें क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड्स इन्हें क्यों बोलते हैं, आप ध्यान से देखना यहाँ पे, जिस कार्बन से आपका हेलो मेंबर अटैच है, इसकी पहले तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके देखो क्या निकल गएगी, 1 2 3 4, चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगी, sp3 निकल के आएगी, सीधी सी बात है, सरल सी। लेकिन ये कार्बन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं। इसके लिए यानी सिंपल सी बात क्या है, किस पे डिपेंड कर रहा है, जिससे आपका हेलोजन मेंबर अटैच जिस कार्बन से, उसकी हाइब्रिडाइजेशन तो क्या होनी चाहिए, sp3 होनी चाहिए। लेकिन जिस कार्बन के साथ अटैच है, फिर वो उसके जो साथ वाला कार्बन यानी जिसका फ्रेंड है, नेबरिंग कार्बन है, वो क्या होना चाहिए, डबल बॉन्डेड कार्बन, तो उसी केस को हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड्स। ओके गाइस, इसमें जो इसका पड़ोसी कार्बन है वो क्या है, डबल बॉन्डेड। तो एक बार और से बता दूं मैं आपको बिल्कुल अच्छे से, जिस कार्बन से आपका हेलो मेंबर अटैच है वो तो sp3 होना चाहिए, लेकिन जो उसके पास वाला कार्बन हो वो क्या होना चाहिए, डबल बॉन्डेड होना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ये आपके हो जाएंगे एलाइलिक हैलाइड्स, तो बिल्कुल आपके समझ में आ चुका होगा आराम से। और इसे हम और क्या बोल सकते हैं, हम बोलते हैं
हैलाइल हैलाइड्स। और आपको एक चीज़ बता दूं, मान लो इसकी जगह यहाँ पे ब्रोमीन होता तो फिर इन्हें क्या बोलते हैं, एलाइल ब्रोमाइड। और यहाँ पे क्लोरीन होता था एलाइल क्लोराइड, और आयोडीन होता था एलाइल आयोडाइड। तो आप इन्हें ऐसे नेमिंग इनकी कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद आपका जो इसके अंदर यहाँ पे केस थर्ड बनता है, केस थर्ड। अब केस थर्ड हमारा क्या बोलता है गाइज, यहाँ पे उसमें क्या हो जाएगा आपका, उन्हें हम बोलते हैं केस थर्ड वालों को बेंजाइलिक हैलाइड्स। अब बेंजाइलिक हैलाइड में आप देखना कितना आसान है, बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले आप क्या करो, बेंजीन रिंग बनाओ। बेंजीन से बात चली तो बेंजीन रिंग तो बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पे कार्बन, इसके साथ आपने हेलो मेंबर जोड़ दिया, एक एच यहाँ पे अटैच कर दो, एक यहाँ पे, वैलेंसी कंप्लीट होगी इसकी। अच्छा, इसमें क्या है खास बात देखो, आप ध्यान से आपने देखना, जिस कार्बन से आपका हेलो मेंबर अटैच है, इसकी एविडेशन निकाल के देखो क्या रही है। चारों बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड। भाई बिल्कुल आसान है, चारों बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अब चारों बॉन्ड अगर सिंगल, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 आएगी निकल के। अब जिस कार्बन से लेकिन आपका हेलो मेंबर अटैच है, वो कार्बन किससे अटैच होना चाहिए, बेंजीन रिंग से। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। अगर यानी सीधी सी बात क्या हो जाएगी गाइस, में जिस कार्बन से आपका हेलोजन मेंबर अटैच है, वो कार्बन किससे अटैच होना चाहिए, डायरेक्टली बेंजीन रिंग से। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं। और इसे हम सिंपल क्या बोल देंगे, बेंजाइल हैलाइड्स बोल सकते हो, ठीक है, बेंजाइल हैलाइड्स। तो आप तक आपको पता चल गया। और इसके अंदर कार्बन कितने होंगे, बेंजीन वाले बेंजाइल वाले में 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, क्योंकि 6 तो बेंजीन की और एक ही, तो 7 यहाँ पे कार्बन होंगे। तो यहाँ तक आपकी समझ बिल्कुल अच्छे से आ चुका होगा। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, ऑन द हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, यानी जिस कार्बन से आपका हेलो मेंबर अटैच है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे पढ़ा। और पहले केस में आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है, जिससे आपका हेलो मेंबर अटैच है sp3, उसके अंदर भी 3 केस बने, हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड वाला। सिंपल था बिल्कुल, ये तो इसमें डायरेक्टली जुड़ा और ये आपका हो गया। एलाइलिक हैलाइड वाले में क्या होगा, जिससे आपका हेलो मेंबर अटैच है, उसके पास वाला जो कार्बन है वो क्या होना चाहिए, डबल बॉन्डेड होना चाहिए। और बेंजाइलिक में क्या, जिससे आपका हेलो मेंबर अटैच है, वो किससे अटैच होना चाहिए, आपका बेंजीन रिंग से। और इसमें मैं जो मेन है हमारा वो क्या है, ये इनके तो हमें सिर्फ नेमिंग के लिए पढ़ने हैं, आपको ज़्यादा इनके लिए टेंशन लेने, लेकिन आपको बताना चाहिए आपकी बुक में दे रखें। तो यहाँ से मैं इसे रफ कर देना, उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके अंदर सेकंड केस, जिसमें आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी। तो यहाँ से मैं इसे हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट केस की, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की, इसी के अंदर। अब अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाए, sp2 हो जाए, तो तब क्या होगा गाइस, sp2 के लिए इसके अंदर जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बनती है बी, इसमें क्या हो जाएगा, जिस कार्बन से आपका हेलो मेंबर अटैच है, इससे अटैच है, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे sp2 होनी चाहिए, तो तब क्या होगा। इसके अंदर भी आपके कितने केस बनते हैं, 2 केस बनते हैं। इसके अंदर जो हमारा केस फर्स्ट है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं गाइस, उन्हें बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड्स। एक सेकंड गाइस, सॉरी, विनाइलिक हैलाइड्स। अब विनाइलिक हैलाइड्स में क्या होगा, सबसे पहले मान लो आप यहाँ पे क्या कर लो, आप इथीन बना लो। सिंपल, देखो कितना आसान है, मैं आपको समझाऊँ। इथीन तो सभी को पता होगा, सी डबल बॉन्ड सी, इथीन का मतलब 2 कार्बन वाला। इथीन बना लिया आपने, एक एच यहाँ पे जोड़ो इनकी वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे, फिर 1 2 3 4 ये आपका क्या बनी, इथीन बन गया। अब यहाँ से क्या करो, एक वैलेंसी फ्री करो, एक वैलेंसी तो आपको फ्री करनी पड़ेगी, क्योंकि कार्बन क्या है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, और दोनों के 4-4 बॉन्ड बने, तो यहाँ पे हेलो मेंबर कहाँ आएगा। सबसे पहले तो यहाँ से मान लो हमने एक वैलेंसी फ्री कर दी, हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया। अब इसकी जगह मान लो यहाँ पे क्या आ जाए, आपका ब्रोमीन आ गया, या ब्रोमीन के आप खाली एक्स ही लिख लो, जिससे आपको समझ में आ जाए कि भाई एक्स आपका क्या हो सकता है, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, में से चारों में से कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब जिस कार्बन से आपका हेलो मेंबर अटैच है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करो क्या आ रही है निकल के, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आ रही है गाइस, चेक करो, 1 2 3 4, इसने बॉन्ड तो 4 है, लेकिन एक बॉन्ड इसका क्या, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2, और ट्रिपल बॉन्डेड वाले की sp, तो हमारा कौन सा केस है, sp2 वाला। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आ रही है, sp2, बिल्कुल सही है हमारी बात, जो हम पढ़ रहे थे उसी के अंदर पढ़ रहे हैं। तो आपका क्या होगा, विनाइलिक हैलाइड्स होगी, सिंपल सी बात है, ओके गाइस। और इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, विनाइल ग्रुप। जैसे आपको याद है भाई, मीथेन था, ठीक है, इसमें से एक एच निकाल दो, CH3 क्या बन जाता है, मिथाइल। एल्केन में से एक एच निकलती है, क्या बन जाता है, एल्काइल। ऐसे ही यहाँ से इसके अंदर से जब एक एच निकाल ले, क्या बन गया, विनाइल ग्रुप। इसे हम क्या बोलते हैं, विनाइल हैलाइड्स बोल सकते हो आप इन्हें। और अगर यहाँ पे आप ब्रोमीन लगाते तो विनाइल ब्रोमाइड, और क्लोरीन तो विनाइल क्लोराइड, ओके गाइस। यहाँ तक आप समझोगे बिल्कुल आसानी से। इसका नेक्स्ट, इसका जो सेकेंड केस बनता है, केस
सेकंड, कि सेकंड को आप क्या बोल सकते हो, आपने पढ़े भी अच्छे से, हेलो एरिन्स, जो आपके क्या है सिंपल, जिन्हें क्या बोलते हैं हेलो एरिन्स बोल सकते हैं, हेलो एरिन्स, और आप उन्हें क्या बोल सकते हो, हेलो बेंजीन्स ही बोल सकते हो, हेलो बेंजीन्स, यहाँ पे लिख दो, चलो मैं हेलो बेंजीन्स। इसमें क्या होगा आपका गाइज, यहाँ पे आपको पता है बिल्कुल, ये अच्छे समझना पड़ेगा आपको बड़े गौर से। सबसे पहले आपको पता है बेंजीनिंग है, जो बेंजीन में क्या होता है, ऐसी बनती है बेंजीन आपकी, आपकी बेंजीन होगी, एक कार्बन यहाँ पे, फिर अगर मान लें एक डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा तो एक छोड़ के यहाँ पे होगा और एक छोड़ के यहाँ पे होगा, या फिर अभी बेंजीन नहीं होगा भाई। अब एक कार्बन ये हो गया, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सारे कार्बन है यहाँ पे, सभी के सभी कार्बन अगर आप चेक करो, सभी के सभी कार्बन डबल बॉन्डेड है, देख लो भाई, इसके भी डबल बॉन्ड बनना है, फिर इसका भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे देखो इसने भी डबल बॉन्ड बना रखा है, इसका भी डबल बॉन्ड है, तो सब क्या डबल बॉन्डेड कार्बन है। और आपको पता है अगर डबल बॉन्डेड कार्बन तो सभी के हाइब्रिडेशन भी क्या होगी, sp2, तो आपको याद रखना है बेंजीन के अंदर सभी के सभी छः के छः कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp2 होती है। यहाँ पर मैं लिख भी दूँ साइड में, ऑल कार्बन्स इन बेंजीन, ऑल कार्बन इन बेंजीन, ऑल कार्बन इन बेंजीन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके गाइस, तो यहाँ पे सारे के सारे कार्बन आपके कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं सारे के सारे, तो आप अब यहाँ पे क्या करो, अब मान लो इन्हें यहाँ पे कोई सी एक पोजीशन पे डायरेक्टली आपका क्या जुड़ जाए, मान लो यहाँ पे आपका आ गया ब्रोमीन आ गया, चलो मान लो चाहे एक्स लिख सकते हो आप, तो आपका हेलो मेंबर अटैच है जिस कार्बन से अटैच, इसकी हाइब्रिडेशन क्या निकल के आ रही है sp2 बाय डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो आपके क्या हुए हेलो एरिन्स डायरेक्टली। तो आपने क्या पढ़ा, sp2 के अंदर आपके दो केस थे, विनाइलिक हैलाइड्स जिन्हें विनाइल हैलाइड्स बोलते हैं नेमिंग के लिए, और एक है आपके हेलो एरिन्स या हेलो बेंजीन्स, जिसमें क्या होगा आपका हेलो मेंबर डायरेक्टली किससे अटैच होगा, बेंजीन रिंग से। तो आपने भी पढ़ लिया, ये आपका किस में आ जाएगा, आपका sp2 हाइब्रिडाइज के अंदर। तो आपका लेक्चर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, और मैं आपको एक बार और बोलता जा रहा हूं, आप भी सोच रही हूं बार बार कि अगर आपको हाइब्रिडेशन के बारे में नहीं पता तो आपके लिए होमवर्क वीडियो, और होमवर्क वीडियो को जरूर देख ले, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी हेलो एलिगेंस के बारे में अच्छे से, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में सारा है यहाँ पे, जितनी भी नेमिंग होगी उसके हिसाब से होगी, बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज भी करती है। तो उसके में क्या पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी हेलो एलिगेंस के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, पढ़ते रहिए।